हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अम्ब्रेला लॉन्ग फ्रॉक कटिंग स्टिचिंग दिखाऊंगी। अगर फ्रेंड आप अभी तक मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सबसे पहले मेरे हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस फ्रॉक को हम 32 साइज के हिसाब से हमें काट करना है। इसका लेंथ 15 इंच है, स्लीव 3/4 स्लीव है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको अलग अलग से काट करना है क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है तो एक साथ टू फोल्ड करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम अलग अलग से काट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक पार्ट काट करना है। सबसे पहले देखिए, इस तरीके से हमें टू फोल्ड करना है, इसको दिशा में टू फोल्ड करना है। नेट का फैब्रिक को अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए, कमर 28 इंच है, हम यहाँ से देखिए कितने इंच तक लेना है, 7.5 इंच तक रखूँगी, 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। उसके बाद देखिए, लंबाई लेना है यहाँ से 35 इंच और सिलाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो टोटल हम 36 इंच रखूँगे और यहाँ से भी 36 इंच बराबर मिलाकर लेना है। हर जगह से हमें 36 इंच का निशाना देना है, इस तरीके से यहाँ से भी, फिर इसको देखिए इस तरीके से मिलाना है। तो देखिए, निशाना लगाने के बाद हमें हम इसको काट करना है। तो देखिए, नीचे से काट कर लिए, अभी हम कमर काट करना है। तो इसका कटिंग हो गया एक पार्ट का, अभी दूसरा पार्ट का काट करना है। तो दूसरा पार्ट को भी हम ठीक उसी तरह से तिरछा कर लेना है। देखिए, पहले जैसे हमें यहाँ से भी तिरछा करना है, अच्छे से फैब्रिक को मिला लेना है। तो देखिए, यहाँ से भी हमें 7.5 इंच पर रखूँगी कमर। उसके बाद यहाँ से भी लंबाई लेना है 36 इंच, यहाँ से भी 36 इंच, हर जगह से हमें 36 इंच का पहले निशान मिलाना है। इस तरीके से मिलाना है, तो अभी इसको भी काट कर लेना है। तो देखिए, इसका कटिंग कर लिया, अभी हम इसके लिए फैब्रिक काट करना है। फैब्रिक को देखिए, हमें टू फोल्ड कर लिया है, इसको हम तिरछा में बिछाना है। देखिए, यहाँ से हमें तिरछा करना है इस तरीके से। तो देखिए, तिरछा करने के बाद ये 4 फोल्ड हो गया है, यहाँ से दोनों साइड का निकल जाएगा और यहाँ से भी हमें 7.5 इंच तक कमर लेना है। और देखिए, उसका लंबाई हमें 33 इंच तक रखूँगी, नेट का फैब्रिक से कम रखना है। देखिए, यहाँ से भी 33 इंच रखना है। उसके बाद हमें इसको काट कर लेना है। और देखिए, यहाँ से ऊपर का पार्ट काट करना है, तो इसमें हमें 2 फोल्ड किया है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक साथ काट कर लेना है। तो देखिए, इसको और 1 फोल्ड करना है, तो टोटल 4 फोल्ड हुआ है। उसका लंबाई लेना है, देखिए यहाँ से हमें लंबाई रखना है 15.5 इंच, 1/2 इंच सिलाई के लिए अस्तर लिया है। और देखिए, शोल्डर लेना है 5 इंच और नेक लेना है
2 इंच पर नेक रखूँगे हम यहाँ से। और देखिए नेक डीप लेना है, ये फ्रंट साइड के नेक डीप है, 5 इंच पर रखूँगी और यहाँ से भी हमें 2 इंच पर मिलाना है। फिर इसको राउंड नेक में शेप देना है। और देखिए यहाँ से आर्म होल लेना है, आर्म होल हम 5.5 इंच पर रखूँगी और यहाँ से भी 5 इंच बराबर मिलाना है। उसके बाद हमें चेस्ट लेना है, यहाँ से हम 32 का सतह से 8 इंच लिया है तो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 2 इंच दिया है। तभी कमर लेना है, उससे हमें 1 इंच कम करना है चेस्ट से, इसको मिलाना है। और देखिए ये कहाँ तक आता है, ये 1.2 इंच तक आता है। फिर इसको मिला दिया है देखिए, तभी हमें इसको काट कर लेना है। फिर देखिए दोनों पार्ट को अलग करना है, तो अभी हम फ्रंट नेक और बैक नेक काट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें फ्रंट नेक काट करना है। उसके बाद हमें बैक नेक काट करना है, यहाँ से भी 2 इंच लेना है और यहाँ से देखिए हमें 7 इंच पर रखूँगी बैक नेक। फिर यहाँ से भी 2 इंच फिर मिलाना है देखिए इसको इस तरीके से, तो काट कर लेना है। देखिए अंदर का कपड़ा काट करने के बाद अभी हम नेट का फैब्रिक में काट करना है। देखिए इसको यहाँ से काट करना है, तो उसको भी हमें अलग अलग पार्ट से काट करना है। सबसे पहले देखिए हमें फ्रंट पार्ट काट करना है, तो जो काटा हुआ फैब्रिक को इसके ऊपर बिछाया है देखिए इस तरीके से अच्छे से मिलाकर बिछाना है, तभी काट कर लेना है। तो अभी बैक पार्ट काट करना है, तो उसको भी देखिए यहाँ से काट करना है, इसको भी अच्छा से मिलाकर बिछाना है। तो जो काटा हुआ बैक पार्ट को इस पार्ट के ऊपर रखना है, तो देखिए काट कर लेना है। तो इसको काट करने के बाद अभी हम यहाँ से स्लीव काट करना है, तो देखिए स्लीव काट करने के लिए हमें पहले से 2 फोल्ड कर लिया है देखिए, और फिर इसको और 1 फोल्ड करना है, तो टोटल 4 फोल्ड हुआ है। स्लीव का लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिए, हम यहाँ से 9 इंच पर रखूँगी और यहाँ से 5 इंच और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच। फिर इसको मिलाना है इस तरीके से, चाहता तो आप इसको नाप लेकर भी काट कर सकता है। तो देखिए इसका कटिंग हो गया है, तो अभी हम इसको सिलाई करना है। देखिए उसको सिलाई करना बहुत ही आसान है, तो इसके बाद देखिए तो सबसे पहले देखिए हमें ऊपर का पार्ट, देखिए हमें पहले से देखिए फैब्रिक और नेट का फैब्रिक को हमने एक साथ ज्वाइन कर लिया है। देखिए हम पहले से ज्वाइन कर लिया है, हम ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए अभी हम यहाँ से सबसे पहले हम टैक्स सिलाई करना है, आपको हाफ इंच लेकर सिलाई करना है, हाफ इंच लेकर सिलाई करना है, आपको कितने इंच तक उठाकर सिलाई करना है, अब आपके हिसाब से उठाकर सिलाई कर लीजिए।
तो देखिए ताक सिलाई के लिए अभी हम नेकपोटी सिलाई करना है। तो देखिए नेकपोटी को यहाँ से सिलाई करना है। तो देखिए नेक पुट्टी सिलाई के लिए अभी हमने कुछ छोटा छोटा काट लगाना है। ये काट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये काट नहीं लगाने से आपका फिनिशिंग कभी परफेक्ट नहीं आ जाएगा, तो इसलिए इस काट को लगाना ज़रूरी है। तो उसके बाद देखिए नेक पुट्टी के साइज से हमें सिलाई करना है। फ्रंट पार्ट सिलाई के लिए अभी हम बैक पार्ट सिलाई करना है। देखिए बैक पार्ट में भी हम नेक का फैब्रिक और फैब्रिक को हमें एक साथ जोड़ लिया है, तो अभी यहाँ से नेक पट्टी सिलाई करना है। तो उसको भी हमें छोटा छोटा काट लगाना है। तो हम फिर से नेक पुट्टी के साथ ही सिलाई करना है। तो देखिए अभी हम नीचे का पार्ट के साथ जोड़ना है। तो देखिए नीचे का पार्ट को हम पहले से फैब्रिक के साथ सिलाई कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से ज्वाइन करना है। उसके बाद देखिए दूसरा साइड भी ज्वाइन करना है। तो देखिए इसको भी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद देखिए हमें दोनों पार्ट को ज्वाइन करना है। यहां से देखिए इस तरीके से हमें मिलाकर रखना है। उसके बाद देखिए हमें दूसरा साइड भी सिलाई करना है। उसको भी यहां से मिलाकर रखना है इस तरीके से बराबर। देखिए उसके बाद देखिए अब यहां स्लीव सिलाई करना है। तो देखिए स्लिप सिलाई करने के बाद नीचे से देखिए मोहरी से इस तरह से फूल कर सिलाई करना है। दोनों फात को इस तरह से सिलाई करना है। तो उसके बाद देखिए हमें 32 साइज के हिसाब से हमें सिलाई करना है।
उसके बाद दूसरा साइड भी सिलाई करना है। देखिए यहाँ से सिलाई करना है। तो देखिए 32 साइज अम्ब्रेला लॉन्ग फ्रॉक सिलाई कंप्लीट है। अगर फ्रेंड वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, हो सके तो एक शेयर कर देना। अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मुलाकात होगा नई वीडियो के साथ अगला वीडियो में।